वो तो वह देखा नहीं जा रहा उस तरफ। अरे बहन, उसे क्या हुआ है? अरे मैयत नहीं है, छीतड़े ही छीतड़े। ऐ सुना है जालिमों ने इसे जिंदा जला दिया। अरे जालिम वो नहीं थे, जालिम तो ये खुद थी, अपने करतूतों की वजह से जल मरी। नीली नाम था उसका, अदा मक्कारी और लालच ये उसकी फितरत में थे। अमीर घरों के लड़कों से शादी करना और उनकी दौलत लेके भाग जाना ये उसका शेवा था। यही सब कुछ उसने मोहम्मद परवेज के साथ करना चाहा। मोहम्मद परवेज नीली का शौहर, इस घर का सबसे खूबसूरत और लाडला बेटा। मुझे ये तस्वीर पुराने जमाने से, क्या ये मोहम्मद परवेज है? हाँ, यही मोहम्मद परवेज है। वो इस घर में भी इसी नीयत से घुसी थी कि इस घर पे कब्जा कर सके, लेकिन जब उसे पता चला कि नूरजहां पहले ही इस घर को अपने सातों बेटों के नाम कर चुकी है, तो फिर वो नूरजहां और बाकी के छह बेटों की दुश्मन हो गई। नूरजहां इस घर की असल मालकिन मोहम्मद परवेज की मां और नीली की सास। नूरजहां बहुत नेक औरत थी, उसने नीली जैसी बाजारू औरत को अपने घर में इज्जत दी, अपनी बेटियों की तरह समझा। लेकिन वो हिर्स की मारी नीली, उसने उनके छह बेटों को जहर दे दिया और मार दिया। नूरजहां ये गम बर्दाश्त न कर सकी और पागल हो गई। अगर ये कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था कि ये सब कुछ नीले ने किया है, तो न जाने कैसे एक दिन ये बात मोहम्मद परवेज को पता चल गई और उसने नीली को कमरे में बंद करके बाहर से आग लगा दी। कहते हैं कि नीली उस रात उस कमरे में जल के मर गई, लेकिन जब सवा लोगों ने दरवाजा खोला तो वह देखा नहीं जा रहा उस तरफ। अरे बहन, उसे क्या हुआ है? अरे मैयत नहीं है, छीतड़े ही छीतड़े। ऐ सुना है जालिमों ने इसे जिंदा जला दिया। अरे जालिम वो नहीं थे, जालिम तो ये खुद थी, अपने करतूतों की वजह से जल मरी। ये नाकाबिले बर्दाश्त है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। देखो बेटा, घर जिंदों के लिए होता है और तुम जिंदा हो, इस घर में तुम्हें ही रहना है। और वो मर चुकी है, मुर्दा कब्रिस्तान में रहते हैं, उसे यहां से जाना होगा।